बिहार में इस वक्त बाबा बागेश्वर की चर्चा खूब हो रही है। धीरेन्द्र शास्त्री पटना आए हुए हैं। इस दौरान तरेतपाली के मठ में वो लगातार अपने भक्तों से मुखातिब हो रहे हैं। बाबा से एक अर्जी लगाने के लिए कई किलोमीटर से दूर दूर से लोग आकर बाबा से मिलने की एक गुजारिश लगातार कर रहे हैं। हालांकि कल बाबा का दरबार नहीं लगा। इसका कारण बताया गया कि वहाँ पहुँचने के बावजूद लाखों लोगों की भीड़ उमड़ आई और बाबा वहाँ मौजूद होने के बावजूद भी अपना दरबार नहीं लगा पाए। इसका कारण बताया जा रहा है कि लोगों की जनसंख्या की वजह से और भीषण गर्मी की वजह से माहौल बिगड़ गया था। आज फिर से बाबा तरेतपाली की तरफ बढ़ गए हैं। लेकिन इस बीच लगातार एक खबर सुर्खियाँ बना रही है कि बाबा ने तेजस्वी यादव से मिलने की इच्छा जताई है। खबर ये आ रही है कि तेजस्वी यादव ने भी बाबा से मिलने को लेकर अपनी रजामंदी दे दी है। अब इस पूरे मामले पर राजद का ऑफिशियल स्टैंड क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। दरअसल कुछ दिनों पहले जब बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का पटना आने का कार्यक्रम लगा तब तेज प्रताप यादव ने इस पर रिएक्ट करते हुए कहा था कि वो अपनी सेना से DSS जो उनकी सेना है उससे बाबा को ठीक करवा देंगे। पाखंडी ढोंगी बहुत सारे आरोप उन्होंने लगाए थे लेकिन इस मामले पर राजद अब तक खुलकर सामने नहीं आई थी। विभिन्न नेताओं ने किसी ने बाबा को ढोंगी कहा तो किसी ने कहा कि वो बिहार में हिंदू मुस्लिम करने आए हैं। वहीं अब तेज प्रताप के बाद तेजस्वी यादव की उनसे मुलाकात की जो बात सामने आ रही है इस पर तेजस्वी यादव को घेरते हुए RLJP के प्रवक्ता चंदन सिंह ने सीधे तौर पर तेज प्रताप यादव से सवाल पूछ दिया है। उन्होंने तेजस्वी को भी कटघरे में खड़ा किया है और ये पूछा है कि राजद को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। राजद किस तरफ है? क्या तेज प्रताप यादव द्वारा बाबा का विरोध और अपमान किए जाने की तरफ है या फिर तेजस्वी यादव द्वारा बाबा से मुलाकात करने की सहमति देने की तरफ है? आखिर तेज प्रताप यादव किस कारण से बाबा को बार बार अपमानित कर रहे हैं? क्या राजद हिंदू विरोधी हो गई है? क्या संत समाज का अपमान करना चाहते हैं तेजस्वी यादव? इन सारे सवालों के साथ चंदन सिंह ने राजद पर चढ़ाई कर दी है। देखिए इस वीडियो में किस तरीके का आरोप वो लगा रहे हैं। देखिए बाबा बागेश्वर का कथा वाचन हो रहा है तरेतपाली मठ में नौरतपुर और तेजस्वी प्रसाद यादव को पहले भी निमंत्रण गया था, दोबारा निमंत्रण सशरीर आयोजनकर्ता ने दिया है और तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी कहा है कि संभवतः बजरंगबली की कृपा हुई तो वो कथा सुनने जरूर आएंगे। एक ही पार्टी में दो स्टैंड कैसे हो सकता है? एक तरफ उनके बड़े भाई मंत्री तेज प्रताप यादव बाबा का लगातार विरोध करते रहे, उनके खिलाफ एक सेना खड़ी की, इन्हीं के पार्टी के शिक्षा मंत्री बाबा को जेल भेजने की बात करते हैं, इनके पूर्व विधायक ब्राह्मणों को विदेशी बताते हैं और इनके राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष हों या वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी हों, लगातार बाबा का विरोध करते रहे ये। अब तेजस्वी प्रसाद यादव बोल रहे हैं कि बजरंगबली की कृपा हुई तो कथा सुनने आऊँगा। दूसरी तरफ इनकी बहन रोहिणी आचार्य जी ने कहा कि बाबा विशेष राज्य के दर्जे पर भी पर्ची निकालें, तंज कसा। तो राष्ट्रीय जनता दल का स्टैंड क्या है ये जनता के बीच में भ्रम की स्थिति है। तेजस्वी प्रसाद यादव को स्पष्ट करना चाहिए कि बाबा के कथा से वो प्रसन्न हैं या दुखी हैं, तो ये स्टैंड क्लियर करना चाहिए। एक पार्टी में दो स्टैंड तो नहीं चलेगा ना। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।